everyone. Today I will teach you how to make a butterfly with help of used paper, used A4 sheet. Clear? चलो start करते हैं. ये हमारी butterfly है. आप different different colors से इसको color कर सकते हैं. Crayons, water color, स्केच पेन, कोई कुछ भी आप इसमें यूज कर सकते हैं. इसके लिए आपको सबसे पहले A4 शीट लेनी है. यूज अनयूज्ड आपके पास जो भी अवेलेबल हो, किसी भी कलर की आप शीट ले सकते हैं. इसको आपको इस तरह से एक हाफ फोल्ड, अगेन इसको ओपन करेंगे और इसको वर्टिकली भी एक फोल्ड करना है इस तरह से. अब आपकी सेंटर में एक मार्क होगा. इस मार्क को आपको अपने कॉर्नर्स को लेना है और इस सेंटर पॉइंट पे प्रेस करते हुए आपको ये फोल्ड लेना है इस तरह से. क्लियर? बोथ साइड आपने कॉर्नर्स को फोल्ड कर दिया. कॉर्नर्स को फोल्ड करने के बाद आपको इसको रिवर्स फोल्ड करना है. ये आपने कॉर्नर्स खोले, ओपन करें और अगेन आपने उसी जगह पे इसको रिवर्स फोल्ड करते हुए प्रेस करना है. ये देखिए अच्छे से प्रेस हो गया. अब आपको क्या करना है, आपको सेंटर से ऐसे इसको होल्ड करते हुए, सेंटर से होल्ड करते हुए आपको साइड से ओपन करना है और इसको अंदर की तरफ प्रेस करते हुए ऐसे फोल्ड करना है. अगेन आपने इसको टर्न किया, ओपन किया, ओपन करने के बाद इसको अंदर की तरफ प्रेस किया, प्रेस करने के बाद आपने इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया. अब आपका ये इस तरह से बन गया. आपको क्या करना है, अब आपको नेक्स्ट स्टेप है आपका, इसको आपको ऐसे ओपन करना है. ये वाला पीछे वाला भी ऐसे ओपन कर दिया, तो यहाँ से आपका ये ओपन हो जाएगा. ओके, अब आपको इसे अच्छे से प्रेस करना है. प्रेस करने के बाद आपको बोथ साइड नीचे, आपको बोथ साइड हाफ हाफ इंचेस का मार्क करना है और सेंटर से आपको ये सेंटर वाला कॉर्नर पकड़ के, ये पॉइंट पकड़ के इसको यहाँ तक प्रेस करते हुए इस पॉइंट तक इसको फोल्ड करना है. जो हमने पॉइंट आपका ये हाफ इंचेस का पॉइंट मार्क किया था, इस मार्क पर आपको ये फोल्ड करना है ऐसे. अगेन इसको रिवर्स फोल्ड करेंगे, इसको लेंगे और ऐसे रिवर्स फोल्ड करना है. ये देखिए मैंने इसको बोथ साइड फोल्ड कर दिया, प्रेस कर दिया, अच्छे से मार्क कर दिया. अब हमें क्या करना है, अगेन हमें इसको ओपन करना है. ओपन करने के बाद हमें इसको अंदर की तरफ प्रेस करते हुए ऐसे फोल्ड करना है. जब आप बोथ साइड प्रेस करते हैं तो इससे ये इजीली अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है. ठीक है, ये देखिए आपका ये प्रेस किया और ये फोल्ड हो गया. अब आपका कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा. आपको इसको फिर से ऐसे पकड़ना है और यहाँ से पॉइंट से हाफ इंचेस का गैप लेते हुए आपको इसको ऐसे प्रेस करना है. ये अगेन ये वाला भी हम ऐसे ही करेंगे. इसको यहाँ रखा और रखने के बाद ऐसे प्रेस कर दिया. अब आपका ये बटरफ्लाई तैयार हो गया. बटरफ्लाई तैयार होने के बाद आपकी बटरफ्लाई फोल्ड हो चुकी है. ये हमारी बटरफ्लाई ओरिगेमी बटरफ्लाई बन गई है. अब हम इसकी कलरिंग कैसे करेंगे, इसको डेकोरेट करेंगे. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू डेकोरेट बटरफ्लाई विथ कलर्स. आप इसमें मोटिव्स वगैरह भी कट पेस्ट भी कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं. नीचे कोई भी एक्स्ट्रा आप अपनी यूज्ड शीट लगा लीजिए और इसकी जहाँ पर भी इसके विंग्स हैं, फोल्ड्स हैं, आप उस पर इस तरह से ब्लैक स्केच पेन से लाइंस ड्रॉ कर लीजिए. ये देखिए स्केल रखा और स्पीडली आप इसको इस तरह से कलर कर सकते हैं. से आपने साइड से इसकी कवर की. सेम पैटर्न आप बोथ साइड लेंगे. आपको दोनों साइड पैटर्न अलग नहीं करना है. बटरफ्लाई में अप एंड डाउन पैटर्न चेंज हो सकता है,
ये अंदर बाहर की तरफ पैटर्न चेंज हो सकता है, लेकिन आप बोथ साइड सेम पैटर्न होगा, क्लियर। अब ये देखो ये मैंने किया है, इसके बाद मैं इस साइड बनाती हूँ। आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं, ड्रॉप पैटर्न भी ले सकते हैं। इस तरह से आपने ड्रॉप पैटर्न लिया और जो स्पेस आपका बचा हुआ था इसमें आपने डॉट्स ले ली। क्लियर। अब यहाँ आप कुछ भी पैटर्न ले सकते हैं, क्लियर। ऐसे ही ये जो स्पेस आपका बच रहा है इसमें आप छोटे छोटे डॉट्स लगा के इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आप क्या करना है, अब ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है आपका डॉट्स और ड्रॉप के बाद वाला, इसको आप यूज़ कर सकते हैं और आप वाइट इफेक्ट भी छोड़ सकते हैं। आप इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसमें स्पार्कल यूज़ कर सकते हैं, ग्लिटर यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी जिस आजकल मोटिव्स आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टोन्स आते हैं, वो भी आप इसे लगा के इसे कंप्लीट कर सकते हैं।